तो स्टार्ट करते हैं 7.1 क्वेश्चन नंबर वन के। क्वेश्चन नंबर वन में गिवन ये है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। एक कोन है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। इफ इट्स रेडियस इज 1.5 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर हाइट इज 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों एक कोन है बराबर, इस कोन का हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम, इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है बराबर। और गिवन क्या है, गिवन है इसका रेडियस और इसका हाइट। तो सबसे पहले मैं जो काम करूँगा ना बच्चों, ठीक है, वो क्या करना है, हमें छोटा सा लिख लेना भाई। वॉल्यूम अगर फाइंड करना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 πr² h। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, 1/3 πr² h। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि क्या मुझे वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सारे इन्फॉर्मेशन गिवन है। जैसे रेडियस बोला, उसका बेस का रेडियस है 1.5, इसका जो बेस है ना ये रेडियस है 1.5, और इसका जो हाइट है, हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, वॉल्यूम के लिए मुझे 1/3 चाहिए, तो नंबर है, पाई का वैल्यू तो मेरे पास होता है, आर का वैल्यू क्या है बच्चों 1.5, और एच का वैल्यू 5 है। तो एवरीथिंग इज गिवन टू अस, यानी ये सम क्या है, वैल्यू पुट आंसर गेट गेट वाला टाइप, कि वैल्यू पुट कर दो आंसर ले लो, यू पुट द वैल्यूज विल गेट द आंसर। समझ में आया क्या, तो ये वो वाले टाइप का सम है। तो सोल्यूशन के अंदर हम डायरेक्ट जाकर अप्लाई करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, तो v इज इक्वल टू 1/3 πr² h, ये लिख दिया हमने फॉर्मूला। अब जब आपने लिख दिया है फॉर्मूला, तो अब सब्स्टिट्यूट करो उस वैल्यूज को। लेट अस स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। तो ये 1/3 × π का वैल्यू 22/7 ले लो, r का जो वैल्यू है वो 1.5 × 1.5, क्योंकि r स्क्वायर है, × h का वैल्यू जो है वो 5 है। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, अब जो ये हमारा 3 × 1 = 3, ये 0.5 × 3, इसको हम ऐसे कट कर सकते हैं, करेक्ट है। और इसके बाद हमारा बच रहा है 22/7 × 0.5 × 1.5 × 5, ये प्योर नंबर बच गए। ठीक है बच्चों, अब आप क्या कर सकते हो, तो इसके अंदर ये 22/7 ले लो, ये 0.5 को आप हाफ भी बोल सकते हो, 0.5 को आप हाफ बोल सकते हो, इंटू इसको आप 3/2 बोल सकते हो, × 5। ठीक है, देखते हैं कुछ काम होता है कि नहीं। तो ये 2 × 1 = 2 × 11 = 11, ये हो गया। ठीक है, और कुछ कट होगा, नहीं और कुछ कट नहीं हो रहा है बच्चों। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा आंसर, 11 × 3 × 5/14। ठीक है, और जब इसको आप सॉल्व करोगे बराबर, तो दिस आंसर विल अप्रॉक्सीमेटली कम अलॉन्ग 11.785 cm³। ठीक है बच्चों, जब इसे आप फाइनली सॉल्व करोगे तो इसके आसपास का आंसर आएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली हम इसे बोल सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम जो है कोन का, वो अप्रॉक्सीमेटली कितना है, तो 11.79, कितना है 11.79, और ये सेंटीमीटर क्यूब। जब भी आप वॉल्यूम फाइंड करोगे, तो जो भी यूनिट दिए रहेंगे ना, यूनिट का क्यूब लेने का, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर का क्यूब लेने का, वट एवर यूनिट इज गिवन। कब, जब आप क्या फाइंड कर रहे हो, आप वॉल्यूम फाइंड कर रहे हो, तो जब भी वॉल्यूम फाइंड करोगे, तो जो भी आपको यूनिट दिया है, उस यूनिट का क्यूब लेने का, किसमें, वॉल्यूम में, एरिया में उसी यूनिट का स्क्वायर लेने का। समझ में आया, ऑल राइट। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर टू। इन क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। तो एक स्फीयर है बच्चों, और उसका डायमीटर जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया है, उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, जब भी आपको कोई सम आ रहा है, उसका क्या लिख दो, साइड में फॉर्मूला लिख दो। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 πr³, 4/3 πr³। तो स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बड़ा चीज़ क्लियर हो गया कि भाई उसका हमें 4/3 नंबर है, पाई नंबर है, आर क्यूब जो है बराबर है, ये जो आर क्यूब है, आर का क्यूब, हमें रेडियस चाहिए, क्या चाहिए, रेडियस, बिकॉज आर इज रेडियस। दिया क्या है, डायमीटर दिया है, तो अगर डायमीटर दिया है, तो यहाँ से मैं क्या बोल दूंगा भाई, रेडियस इज नथिंग बट डायमीटर अपॉन 2, डैट इज 6/2, एंड दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो क्या मैंने रेडियस फाइंड कर लिया, तो जब मैंने रेडियस फाइंड कर लिया, तो अब मैं डायरेक्टली जाके इसका वॉल्यूम को फाइंड कर सकता हूँ बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी 4/3
पाई आर क्यूब, दिस इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर किसी और का नहीं है, ठीक है, यहाँ पर किसका है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 4/3, पाई का वैल्यू 3.14 ले लो, बराबर है, कुछ भी ले सकते हो आप, अगर दिया नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ इट इज़ नॉट गिवन यू कैन टेक द वैल्यू एज यू वॉन्ट, देर इज़ नो प्रॉब्लम, इंटू आर का वैल्यू है 3 × 3 × 3, क्यों, आर 3 था और एक आर का क्यूब है, तो 3 × 3 × 3, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3 कैंसिल हो गया, तो 4 × 3.14 × 3 × 3 हो गया, अब जब आप ये सब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 113.04 सेंटीमीटर क्यूब, क्यों सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आप फाइंड करो क्या, वॉल्यूम, क्या फाइंड करो, वॉल्यूम, तो किसी भी बॉडी का जब वॉल्यूम फाइंड करोगे तो उसका जो यूनिट होगा वो जो भी यूनिट दिया है उस यूनिट का क्यूब होगा, जो भी यूनिट गिवन है मेंशनड है किताब में उसका क्या होगा, उसका क्यूब होगा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर। तो ये सिलेंडर है, इसका टोटल सरफेस एरिया मुझे फाइंड करना है, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा बच्चों, इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा और प्लस ये दोनों जो हमारे सर्कुलर पार्ट है उसका भी एरिया आएगा, बिकॉज वी नीड टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया। ऑल राइट, तो सबसे पहले काम करते हैं बच्चों, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बराबर, ये तो चेक करने के लिए लिख रहा हूँ मैं, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, 2πr r + h, 2πr r + h। अब चल के देख लेते कि क्या वो सारे इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गए हैं जिसको यूज़ करके हम ये सम को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 चाहिए, नंबर है पाए, नंबर है आर, है आर अपने पास है, आर है, आर है, एच है, एच है, तो हमको कोई भी चीज़ एडिशनल फाइंड नहीं करना है, सो विदाउट फाइंडिंग एनीथिंग एडिशनल वी कैन सॉल्व द सम। तो सॉल्यूशन में जाते हैं यहाँ पर, और सॉल्यूशन में लिखते हैं यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2πr r + h, तो 2 का 2, अब पाई का वैल्यू गिवन नहीं है तो इसमें ले लेते हैं चलो 3.14, r का वैल्यू रेडियस कितना दिया है 5, ब्रैकेट r 5 प्लस h 40, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 3.14 × 5 × 45, ठीक है बच्चों, और ये जब सबको आप मल्टीप्लाई कर दोगे सिंपल सा 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बराबर। जब भी आपको एरिया फाइंड करना हो एरिया, तो यूनिट का स्क्वायर होता है, क्या होता है बच्चों, यूनिट का स्क्वायर होता है, वॉल्यूम में क्यूब होता है, और एरिया वेरिया अगर फाइंड करना है कभी भी तो क्या होता है, यूनिट का स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरह से ये हो गया 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर हम कह सकते हैं आंसर में, आंसर लिख सकते हैं देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 7.1 क्वेश्चन नंबर फोर बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो ये एक स्फीयर है, इसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है बराबर, और रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। तो मैंने पहले ही बताया था आपको, अगर स्फीयर से रिलेटेड कुछ भी फाइंड करना है तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो क्या होगा, उसका रेडियस। अगर उसका रेडियस आपको पता है तो आप उसका सरफेस एरिया या वॉल्यूम आराम से ढूंढ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो सॉल्यूशन में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विल बी इक्वल टू 4πr² क्या होता है, 4πr² बराबर है, यहाँ पर 4 का 4, पाई को मैं 22/7 ले लेता हूँ बच्चों, और आर स्क्वायर को 7 × 7, ये 22/7 इसलिए लिया क्योंकि ये 7 से कैंसिल हो सकता है, आगे समझ में, ओके।
तो यहाँ से ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 4 × 22 × 7, और 4 × 22 × 7 कितना बचेगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 4। सो विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन ये कहता है कि भाई डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड्स आर, तो ये हमारा क्यूबॉइड है और इसके डायमेंशन जो है वो 44 है, लेंथ 44, ब्रेथ 21 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और सॉरी, ये जो क्यूबॉइड है इसको हमने क्या किया है, मेल्ट किया है, तो ये क्यूबॉइड को मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद इस क्यूबॉइड से हमने बनाया एक कोन, बराबर। तो मेल्ट करने के बाद इस क्यूबॉइड से हमने क्या बना दिया, एक कोन बना दिया, और इस कोन का जो हाइट है, इस्तेमाल वर्ड सिर्फ हाइट किया गया है कोन का, कोन में स्लांट हाइट होता है और परपेंडिकुलर हाइट होता है, तो सिर्फ हाइट बोला तो ये कोई और हाइट नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर हाइट होगा। तो इस कोन का जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है, तो ये बताओ कि इसके बेस का रेडियस कितना होगा, इसके बेस का रेडियस कितना होगा, किसके कोन के बेस का रेडियस कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। समझ में आया बच्चों? ओके, सो सम को स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब ये बात बराबर से समझो आप। देखो बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, हम कन्वर्ट कर रहे हैं, किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, एक क्यूबॉइड को मेल्ट करने के बाद, मेल्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट किया, एक कोन में। तो समझो ये शेप का एक बर्फ है, उसको हमने मेल्ट कर दिया, पानी बन गया, उस पानी को हमने ऐसे शेप में डाल दिया, तो उसके बाद में और फ्रीज कर दिया तो कोन बन जाएगा। समझ में आया? तो बच्चों जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक चीज़ मेल्ट होकर दूसरा चीज़ बन रहा है, तो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो एक चीज़ कॉन्स्टेंट होता है, मालूम है क्या है वो चीज़ इनकी वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम रिमेन सेम, जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही वॉल्यूम इसका होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि जितने मटेरियल से ये बना है, क्यूबॉइड बना है, उतनी मटेरियल से कौन भी बनाए, तो वॉल्यूम विल रिमेन सेम। तो ऐसा जब भी सम होता है ना बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन का, ये ट्रांसफॉर्म होके ये बन गया, तो आप एक बात याद रखो भाई, वॉल्यूम ऑफ बोथ विल बी सेम। सो योर वी कैन से वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस पर आर हमने क्या रखा है, इसका आर को हमने स्मॉल आर से मेंशन किया है, ठीक है, आर को हमने स्मॉल आर से मेंशन किया है, और हाइट को हमने मेंशन किया है कैपिटल एच से। यहाँ पर किससे मेंशन किया है, इसकी हाइट को हमने कैपिटल एच से मेंशन किया है, बराबर है। उसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखो यहाँ पर अगर दोनों का मैं डिनोशन सेम रख देता, स्मॉल एच, तो यहाँ से दोनों क्या हो जाते, कैंसिल हो जाते। समझ में आ रहा है? इसके लिए थोड़ा डिनोशन को हमने क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 πr² h, आर का स्क्वायर होता है वो। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अब यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते, तो ये 1/3 × π का वैल्यू 22/7 दिया नहीं है, ठीक है, आर स्क्वायर का वैल्यू हमें फाइंड करना है, एच का वैल्यू जो है वो 24 है, कैपिटल एच यहाँ से एच, लेंथ का वैल्यू यहाँ पर है 44, ब्रेथ का वैल्यू यहाँ पर है 21, और हाइट का वैल्यू यहाँ पर है 12 इस क्यूबॉइड का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आर को इधर छोड़ देते और बाकी सबको यहाँ पर शिफ्ट करते, तो लीव आर दिस साइड एंड रेस्ट विल शिफ्ट ऑन द अदर साइड, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर सिर्फ बचेगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ओके, ऊपर वाले, ये जो ऊपर वाले हैं सब ऊपर ही ऐसे ही रह जाएंगे, तो ये 44 × 21 × 12। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर आर स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई में, जैसे 1 है, 22 है और 24 है, ये लोग यहाँ पर डिवाइड में आ जाएंगे, तो ये 1 तो छोड़ देंगे, 22 × 24 डिवाइड में आ गए, और आर के साथ जो डिवाइड में थे 3 और 7, ये सब ऊपर चले जाएंगे, तो ये 3 ऊपर और ये 7 ऊपर, बराबर। यहाँ पर मिस्टेक मत करना, आर स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई में नंबर्स है ना बेटो, ये जब ये साइड पर ट्रांसफॉर्म होगा तो डिवाइड में आ जाएंगे, और जो भी नीचे नंबर्स है वो सब ऊपर चले जाते हैं, ठीक है।
तो ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा। अब आप यहाँ पर कैंसिलेशन को स्टार्ट कर सकते हो, देख देख के जो जो कैंसिल हो रहे कैंसिल कर दो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 22 वन ज़ा, ये 22 टू ज़ा, बराबर, इसको हमने कैंसिल कर दिया। दूसरा हम 12 वन ज़ा, ये 12 टू ज़ा, ठीक है, इसको हमने कैंसिल कर दिया। ये 2 और 2 कैंसिल्ड। अब ऊपर क्या बचा, 21 बच रहा है और 21 बच रहा है, 21 ये और 7 थ्री ज़ा 21, तो सिर्फ 21 इंटू 21 बचा है। तो आर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 21 इंटू 21, आर स्क्वायर 21 इंटू 21 है, तो आर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 21 इंटू 21, तो आर क्या हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। बराबर बच्चों, तो ये कौन है हमारा, ये है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो जो कोन है, कोन, ये जो कोन था इसका जो रेडियस है वो कितना है बच्चों, 21 सेंटीमीटर। क्या है, 21 सेंटीमीटर, बराबर। अच्छे बच्चे, जितने भी अच्छे बच्चे हैं, सुनो, आंसर लिखना मत भूलना। आंसर देयर फोर द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 21 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 21 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पहले मैं रीड कर दूं आपके लिए। ऑब्जर्व द मेजर ऑफ पॉट्स इन द गिवन फिगर्स, हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास एक जग है, कोनिकल जग है, और इस कोनिकल जग का जो हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट, वो 10 दिया है, और इसका जो रेडियस है वो 3.5 दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एक सिलेंड्रिकल पॉट है जिसका जो परपेंडिकुलर हाइट है वो 10 है, और इसका जो रेडियस है, रेडियस हमने कैपिटल आर से डिनोट किया, वो 7 है। समझ में आया, तो ये पॉट के लिए है और ये कोन के लिए है। अब क्या कह रहा है कि भाई ये जो पॉट है, बराबर, ये पॉट कितने जग ऑफ वाटर को होल्ड कर पाएगा, ये जो पॉट है वो कितने जग ऑफ वाटर को होल्ड कर पाएगा, ये आपको पता करना है। तो मैं आपको एक बात कहता हूँ, ये बराबर से समझो। आप, आपके पास एक 20 लीटर की बकेट है। क्या है बच्चों, आपके पास एक 20 लीटर की बकेट है। इस 20 लीटर के बकेट में हम पानी फिल कर रहे हैं, बराबर, इस 1 लीटर के बॉटल से, बराबर, ये 1 लीटर के बॉटल से हम लोग क्या कर रहे हैं, 20 लीटर के बकेट में पानी को फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कितने बॉटल लगेंगे, ऐसे कितने बॉटल लगेंगे उस बकेट को फिल करने के लिए, चलो बताओ, आप बताओ, हाँ जल्दी बताओ, कितने लगेंगे, 20, करेक्ट है। कैसे, आपने क्या किया, आपने ले लिया बकेट का वॉल्यूम, बराबर बच्चों, आपने क्या ले लिया, आपने बकेट का वॉल्यूम ले लिया। मैं समझा देता हूँ आपको, यहाँ पर आपने जो हमारा बकेट था उसका वॉल्यूम, और आपने क्या ले लिया, बॉटल का वॉल्यूम। बकेट का वॉल्यूम 20 था, बॉटल का वॉल्यूम 1 था, तो 20/1 कितना हो गया, 20 हो गया। तो आपको मालूम पड़ गया कि ऐसे 20 बॉटल, नंबर ऑफ बॉटल्स रिक्वायर्ड टू फिल द पॉट विल बी 20। तो ये सम भी बिल्कुल वैसे ही है, ये पॉट है और ये जग से हम इस पॉट को भर रहे हैं, तो ऐसे कितने नंबर ऑफ जग लगेंगे, कितने नंबर ऑफ जग ऑफ वाटर लगेगा ताकि ये पॉट क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका वॉल्यूम लेना पड़ेगा और इसका वॉल्यूम लेना पड़ेगा। बड़े वाले का वॉल्यूम हमें छोटे वाले के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो वी विल डिवाइड बिगर वॉल्यूम विद स्मॉलर वॉल्यूम एंड देन विल गेट द नंबर ऑफ जग। समझ में आया, तो ये सम बड़ा सिंपल सम है, ठीक है। तो ये सम में ज़्यादा कुछ है नहीं, हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ जग्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट, अपॉन वॉल्यूम ऑफ जग। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ जग विल गिव यू नंबर ऑफ जग, कितने नंबर ऑफ जग लगेंगे इसको फिल करने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, बराबर। अब देखो मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी, ये जो सिलेंडर है इसका हमने आर, कैपिटल आर से डिनोट किया है, और एच को भी हमने कैपिटल एच से डिनोट किया है, तो इसको थोड़ा चेंज कर देंगे। तो ये मैं लिख देता हूँ आर स्क्वायर,
जिससे डिनोट करो वही उसी को मेंशन करो बच्चों, और ये एच हो जाएगा, तो पाए आर स्क्वायर एच, ठीक है, इसमें आप मिस्टेक मत करना। नीचे क्या लगेगा, वॉल्यूम ऑफ जग, तो जग कौन है, कोन है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, तो कोन का वॉल्यूम तो पता है आपको, ये होता है 1 बाय 3 पाए आर स्क्वायर एच, बराबर। इसका जो रेडियस है छोटा है, हाइट भी हमने छोटा लिया तो इससे ही डिनोट करेंगे, तो 1 बाय 3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ये पाए और ये पाए कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आर, इसका रेडियस कितना है, 7 है, तो ये 7 × 7, और इसका हाइट कितना है, हाइट इसका 10 है, तो ये 10 आ जाएगा। नीचे ये 1 बाय 3 है बच्चों, अभी ये 1 बाय 3 है ना, तो ये 3 ऊपर चले जाएगा, ये 3 ऊपर चले जाएगा। नीचे क्या बचा, ये आर स्क्वायर, इसका आर, तो 3.5 × 3.5 × इसका एच, एच इसका कितना है, 10, ठीक है बच्चों। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया, ये 3.5 × 1 = 3.5 × 2 = 3.5 × 1 = 3.5 × 2 = करेक्ट है, तो 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4 एंड 4 × 3 = 12, बराबर है, तो ये हो गया नंबर ऑफ जग, ठीक है, क्या हो गया बच्चों, ये नंबर ऑफ जग्स हो गया, बराबर। अगर अभी अभी आपने थोड़े दिन पहले कपिल शर्मा का शो देखा होगा, बराबर, तो उसमें ये बहुत फेमस हो गया था, जग मुझे जग दो जग दो जग दो, ऑल राइट, तो ये मिल गया आपको नंबर ऑफ जग जो इस पॉट को फिल करने के लिए लगेगा, कितने लगेंगे, ऐसे ऐसे 12 जग से आप फिल करोगे 12 बार, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, तो इसकी कैपेसिटी मिल गई हमें। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पहले मैं रीड कर लेता हूँ आपके लिए। अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेस, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द बेस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, द कोन इज प्लेस्ड अप ऑन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म्ड इज 500 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर। तो बच्चों ऐसा कुछ है, एक सिलेंडर है आपके पास, ठीक है, ये सिलेंडर के ऊपर एक कोन रख दिया है ऐसे, ठीक है, और ये पूरा सॉलिड बन गया। अब इसका पूरा हाइट फाइंड करना है हमें, दिया ये है कि भाई ये जो बेस है ना, बेस दिख रहा है, बेस, ये बेस का एरिया, बेस कैसा है, सर्कुलर है, तो ये जो सर्कल का एरिया है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है, ये सर्कल का एरिया कितना दे दिया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज गिवन टू अस, ठीक है। और एक बात और है, जितना इसका एरिया होगा उतना इसका भी एरिया होगा, क्योंकि दोनों सेम है, दिख रहा है, यहाँ पर देखोगे तो डायग्राम, ओके, तो ये दोनों सेम है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमें टेंशन वाली बात ये नहीं है कि जितना रेडियस सिलेंडर का होगा उतना ही रेडियस कोन का भी होगा, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ कोन विल बी इक्वल इन दिस केस, डायग्राम देख के पता कर लो, तो दोनों को अलग अलग डिनोशन मत देना आप, बराबर, जहाँ पर इक्वल हो वहाँ पर अलग अलग डिनोशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज गिवन एज एच इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ये मैं मान लेता हूँ, और ये वाला जो हाइट है इसे मैं कैपिटल एच मान लेता हूँ, ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट को हमें फाइंड जब कर लेंगे ना, तो ये पूरा का पूरा हमें क्या मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा जो हाइट है टोटल हाइट वो मिल जाएगा, एच प्लस स्मॉल एच विल गिव द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड ऑफ द टॉय, ठीक है। ओके, सो योर रेडियस जो होगा इसका भी रेडियस आर ही होगा, बराबर, रेडियस ऑफ कोन विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये बात इसमें याद रख लेना, और कुछ स्पेशली दिया नहीं है इसमें, पूरा फिगर का वॉल्यूम, ये पूरे फिगर का वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है, और टोटल हाइट फाइंड करना है। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ ये सम के अंदर मैं स्टार्ट ही उसी चीज़ से करता हूँ जो मुझे दिया है, बराबर, टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, बराबर, ये सिलेंडर पार्ट का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन विल गिव मी द टोटल वॉल्यूम, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन,
ये दोनों के वॉल्यूम को जब हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। अब मज़ेदार बात यह है कि टोटल वॉल्यूम गिवन है, ये है 500 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पर जो आपने डिनोशन दिया ना उसी को दिमाग में रख के याद करो, वो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है प्लस। और देख लो एक बार कि आपने इसी को डिनोशन को रेडियस को आपने, अच्छा रेडियस वाला तो है नहीं पार्ट, और दोनों का रेडियस सेम है तो हमने दोनों का रेडियस को आर लिया है, समझ में आ रहा है? दोनों का रेडियस सेम है, दोनों के रेडियस को हमने आर लिया है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर लिख दिया चलेगा वो, और एच इसके हाइट को हमने एच लिया है वो लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाए आर स्क्वायर और कैपिटल एच, दोनों का बेस सेम है बच्चों तो रेडियस तो सेम आ जाएगा, यहाँ पर भी रेडियस सेम, यहाँ पर भी रेडियस सेम, पर यहाँ पर क्या आ जाएगा कैपिटल एच आ जाएगा, हाइट अलग लिया है हमने, पता नहीं है हमें। अब क्या हो जाएगा, ये 500 लिख दो एज इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये वाला पार्ट पाई आर स्क्वायर और ये वाला पार्ट जो है पाई आर स्क्वायर, ये दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये बाहर ले लिया पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा एच प्लस 1/3 एच, ठीक है बच्चों? यहाँ पर इसका पार्ट एच बचा और यहाँ पर क्या बचा 1/3 और ये वाला कैपिटल एच। ऑल राइट, सो आगे जो ये सम है ये हो जाएगा 500 इज इक्वल टू, अब ये पाई आर स्क्वायर क्या है, तो देखो पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द बेस इज 100, तो यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 100, यहाँ पर एच का वैल्यू है 3 प्लस 1/3 और ये कैपिटल एच, ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब ये जब 100 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, देखो 100 और ये पूरा पार्ट मल्टीप्लाई है, 100 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा तो ये 500 अपॉन 100 हो जाएगा इक्वल्स टू, और यहाँ पर अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा कर लिया या फिर काम करो 3 रख दो इसको, 3 प्लस 1 × h h / 3 कर दिया, 1 × h h / 3 कर दिया, अब ये क्या हो गया 500/100, ये हो गया 5 = 3 प्लस h / 3, अब ये 3 को इधर लाया तो माइनस हो जाएगा तो 2 = h / 3, अब ये 3 को उधर भेज दिया तो h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा 6 cm, h कितना हो जाएगा बच्चों 6 cm। देयरफोर द टोटल हाइट ऑफ द फिगर, बराबर बच्चों, देयरफोर ये तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकेंड पार्ट, द टोटल हाइट इज इक्वल टू कैपिटल h प्लस स्मॉल h, दैट इज 6 + 3 दैट इज 9 cm, तो टोटल हाइट ऑफ द फिगर हमने फाइंड कर लिया, कितना फाइंड किया बच्चों 9 cm। सो नाउ विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में अगेन हमें एक टॉय दिया है और ये शेप का टॉय है जिसमें कुछ पार्ट सिलेंडर से बनाया है, कुछ कुछ पार्ट हेमिस्फीयर से बनाया है, उसका कुछ पार्ट सिलेंडर से बनाया है, कुछ पार्ट कोन से बनाया है, हमें फाइंड करना है भाई इसका टोटल सर्फेस एरिया, सब चिपके हुए लोग हैं, ठीक है। तो ये अपना कोन वाला पार्ट आ गया, सिलेंडर वाला पार्ट आ गया, इसको आके एक कोन चिपक गया दिख रहा है और इसी को आके एक हेमिस्फीयर चिपक गया, तो ऐसा कुछ है ये, ठीक है बच्चों। इसका हमको टोटल सर्फेस एरिया फाइंड करना है, तो आप अब दिमाग लगाओ कि टोटल सर्फेस एरिया में ये पूरे टॉय का आपको क्या दिख रहा है। जब टोटल सर्फेस एरिया फाइंड करना है इसका मतलब ये नहीं कि हमें सबका टोटल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बराबर, ये मिसकंसेप्शन है। ये टॉय का आपको क्या दिख रहा है, तो टोटल सर्फेस एरिया में सिर्फ ये वाला बाहर का पार्ट दिख रहा है, यानी कहने का मतलब ये है कि कोन का मुझे ये नहीं दिख रहा है, सिलेंडर का मुझे ये नहीं दिख रहा है, सिलेंडर का मुझे ये वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, और हेमिस्फीयर का मुझे ये वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, तो ये सब पार्ट अंडर कवर है, ये सब पार्ट कवर हो गए, यानी जब मैं इस पूरे टॉय का टोटल एरिया निकालूंगा, टोटल सर्फेस एरिया निकालूंगा पूरे टॉय का, तो इसके अंदर मैं ये बेस हटा दूंगा, ये सिलेंडर का ये वाला पार्ट हटा दूंगा, ये सिलेंडर का ये पार्ट हटा दूंगा और इसका भी बेस हटा दूंगा, समझ में आ रहा है? तो अगर हमने ये कोन वाले पार्ट का सिर्फ ये वाला एरिया फाइंड किया तो ये कौन सा एरिया होता है बच्चों, ये कर्व सर्फेस एरिया होता है। सिलेंडर का अगर सिर्फ हमने ये वाला एरिया फाइंड किया तो कौन सा एरिया होता है, कर्व सर्फेस एरिया। और हेमिस्फीयर का सिर्फ ये वाला एरिया फाइंड किया तो कौन सा एरिया होता है, कर्व सर्फेस एरिया। अब बच्चों यहाँ पर मैंने डिनोशन थोड़ा अलग अलग कर दिया है, लेकिन यहाँ पर जो डिनोशन का बात है ना वो थोड़ा हमने अलग अलग किया है, लेकिन एक बात याद रखो, जो रेडियस है चाहे वो रेडियस कोन का हो, हेमिस्फीयर का हो या सिलेंडर का हो, रेडियस तीनों का सेम है, तीनों का रेडियस क्या बच्चों, सेम है, देख लो आप यहाँ से भी फिगर से भी देख लो, तो ऑल आर हैविंग सेम रेडियस, हाइट इज डिफरेंट बट देयर रेडियस इज सेम, ठीक है। तो आप सेम डिनोशन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ से क्लियर हो गया बात, अगर मुझे इसका पूरा एरिया फाइंड करना है, टोटल एरिया ऑफ द टॉय फाइंड करना है, तो मुझे लगेगा कर्व सर्फेस एरिया ऑफ माई हेमिस्फीयर, कर्व सर्फेस एरिया ऑफ माई सिलेंडर एंड कर्व सर्फेस एरिया ऑफ माई कोन,
तो योर आई कैन से टोटल एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इनके सारे जो फॉर्मूलाज है ना, उन फॉर्मूलाज को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, बराबर। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr². पाई का वैल्यू मैं पाई रहने देता हूँ, आर जो है ना पहले भले ही मैंने एच लिया है पर सबका रेडियस मुझे पता चल गया सेम है, तो मैं इसको आर ही रहने देता हूँ। तो आर स्क्वायर प्लस के बाद आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो जो हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है वो होता है 2πr, आर तो सेम होगा और एच जो है आप सिलेंडर पे हमने कैपिटल एच बोला है तो वो एच आ जाएगा। तो 2πr h प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, उसका फॉर्मूला है πrl। तो पाई का पाई, आर तो सेम आर होगा और एल लेंथ हो गया, ये कौन हो गया स्लांट हाइट, कौन हो गया बच्चों हमारा स्लांट हाइट हो गया। ठीक है, ऑल राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि जब मैं कोन के पास जाता हूँ, देख रहे बच्चों कोन के पास, तो ये मेरा स्टेप एक्चुअली सेकेंड स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप मुझे कुछ और ढूंढना पड़ेगा, मैंने पहले ही नहीं बताया आपको लेकिन अब बता रहा हूँ। जब मैं कोन के पास जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एल है बच्चों, बराबर एल, बट यहाँ पर मेरे कहीं पर भी एल नहीं है, स्लांट हाइट नहीं है ना मेरे पास। ठीक है, तो मुझे स्लांट हाइट फाइंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बराबर। ये फॉर्मूला किसका है बच्चों, ये स्लांट हाइट का है। आर कितना आपका 3, तो ये 3 स्क्वायर प्लस एच कितना आपका 4, ये 4 स्क्वायर, तो ये 9 प्लस 16 ये कितना आ गया 25, तो एल स्क्वायर आपका 25 आ गया, तो एल कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट आपका कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, इसलिए ये फर्स्ट स्टेप होगा जहाँ पर आपने स्लांट हाइट फाइंड कर लिया। अब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने में कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। अब एक चीज़ और जान लो, यहाँ से जो हम आंसर फाइंड करेंगे ना, क्योंकि पाई का वैल्यू दिया नहीं है तो इन टर्म्स ऑफ पाई मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से ये पाई और आर को कॉमन ले लेता हूँ, पाई और आर को कॉमन ले लेता हूँ, सो योर आई विल टेक पाई एंड आर कॉमन। तो ये पाई कॉमन आ गया और आर कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2r। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बनेगा पाई आर चलेगा तो 2h, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा l। तो ये पाई आर, अब r का वैल्यू जो है सबका रेडियस कितना बच्चों 3 है, तो ये 3 आ गया इंटू 3, 2 3 जा ये 6 आ जाएगा, 2h जा ये कितना 80 आ जाएगा, और l कितना है 5। तो ये पाई इंटू 3 कितना गया, पाई इंटू 3 और इंटू ये 80 प्लस 11 ये कितना हो जाएगा हमारा 91 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 91, और फाइनली हो जाएगा 73 पाई, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया टोटल एरिया ऑफ द टॉय, बराबर है। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो, आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर सेपरेटली फाइंड कर लेते, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सेपरेटली फाइंड कर लेते, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन भी सेपरेटली फाइंड कर लेते, और बाद में सबको ऐड कर देते, बराबर है। तो कई बार बच्चे लोग इसमें मिस्टेक कर देते, ये सम के अंदर आपने पाई को, आपको ये की याद रखना पाई के वैल्यू को एज इट इज छोड़ दो, बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अगर फाइंड करना तो फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी आंसर आएगा। ऑल राइट बच्चों, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 8। ऑल राइट, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। इन द गिवन फिगर अ सिलेंड्रिकल रैपर ऑफ फ्लैट टैबलेट्स इज शोन। तो ये जो सिलेंड्रिकल रैपर है जो फ्लैट टैबलेट्स को रैप कर सकता है, इसमें हम लोग लपेट सकते हैं उसको। द रेडियस ऑफ द टैबलेट इज 7 mm, टैबलेट का जो रेडियस है, ये टैबलेट का जो रेडियस है वो 7 mm है, और थिकनेस उसका 5 mm है, थिकनेस यानी उसका हाइट ले सकते हैं, थिकनेस को हम हाइट भी लेते हैं वो 5 mm है। हाउ मेनी सच टैबलेट्स कैन बी रैप्ड इन द रैपर, तो ऐसे कितने टैबलेट्स को हम इस रैपर में रैप कर सकते हैं। इस रैपर का जो डायमीटर है वो 14 mm है और जो इसका हाइट है वो 10 cm है। बच्चों इसमें सबसे पहले जहाँ कन्वर्जन है mm और ये सेंटीमीटर, तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर दो mm के अंदर, तो 10 × 10 mm, बिकॉज 1 cm इज 10 mm, 1 cm जो है तो ना वो 10 mm होता है बच्चों, इसके लिए सेंटीमीटर हटाया और 10 mm उधर रख दिया, तो कितना आ जाएगा 100 mm, बराबर। तो h कौन है, ये हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल रैपर, इसका कितना आ गया हाइट 100 mm।
ठीक है। अब यहाँ पर जाते बच्चों, सबसे पहले डायामीटर, डायामीटर ऑफ टैबलेट इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस ऑफ टैबलेट, दैट इज 2 इंटू टैबलेट का रेडियस कितना बच्चों, टैबलेट का रेडियस 7 mm है, 7 mm, तो हो जाएगा 14 mm। दूसरा डायामीटर ऑफ सिलिंड्रिकल रैपर, सिलिंड्रिकल रैपर इक्वल्स टू 14 mm, देख लो आप लोग, बराबर, इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है बच्चों, ये इसको हमने फाइंड कर लिया और ये गिवन है, देख लो यहाँ पर 14 mm। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि दोनों का डायमीटर, टैबलेट का डायमीटर और रैपर का डायमीटर सेम है, तो डायमीटर पर तो डिपेंड नहीं करेगा ये चीज़, क्योंकि दोनों का डायमीटर क्या है, इक्वल है, यानी कि अब ये कितने टैबलेट्स को रैप करेगा, ये रैपर कितने टैबलेट्स को लपेट सकता है, वो डिपेंड करेगा इसके हाइट के ऊपर और इसके हाइट के ऊपर, ठीक है। तो दूसरा, तीसरा थिकनेस मतलब हाइट होता है, थिकनेस इज इक्वल टू हाइट इक्वल्स टू एच ऑफ टैबलेट इज इक्वल टू 5 mm, टैबलेट का कितना थिकनेस है 5 mm, बराबर है हाइट, तो एच इक्वल्स टू 5 mm, बराबर। फोर्थ हाइट ऑफ, हाइट ऑफ रैपर, इसको हमने कैपिटल एच से डिनोट किया, हाइट ऑफ रैपर कितना आया बच्चा 100 mm, बराबर है, यानी कि द नंबर ऑफ टैबलेट्स नंबर ऑफ टैबलेट्स विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ रैपर, रैपर का हाइट अपॉन हाइट ऑफ द टैबलेट, तो 100/5, और दोनों mm के अंदर है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, कितना आ जाएगा 20, तो इस तरह से 20 टैबलेट्स को ये रैप कर सकता है, कितने टैबलेट्स को रैप करेगा 20 टैबलेट्स को रैप कर सकता है, समझ में। सो नाउ विल गो टू क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है एक फिगर, और ये फिगर का सारे पार्ट दिया है हमें, पाई का वैल्यू भी दिया है इसमें अंदर, पाई का वैल्यू दिया गिवन है 3.14, और हमें फाइंड करने बोल रहा है कि भाई इसका वॉल्यूम फाइंड करो और इसका सरफेस एरिया फाइंड करो, तो ये कुछ ऐसा है, एक हेमिस्फीयर है और एक कोन है, ये लोग ऐसा है, तो ऐसा फिगर बना है बच्चों, दिख रहा है ये बिल्कुल आइसक्रीम की तरह, समझ में आ रहा है, तो ऐसा कुछ फिगर बना है बच्चों, और हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, सरफेस एरिया मतलब कौन सा सरफेस एरिया भाई, इसका पूरा सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए क्या क्या लगेगा, क्या क्या नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, यानी कि कर्व, कर्व एरिया इसका भी और कर्व एरिया इसका भी, तो कर्व सरफेस एरिया इसका फाइंड करेंगे हेमिस्फीयर का, कर्व सरफेस एरिया कोन का फाइंड करेंगे, तो इसका टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा किसका, ये पूरे टॉय का, और दूसरा क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए भाई इसका वॉल्यूम अलग और इसका वॉल्यूम अलग, दोनों का वॉल्यूम अलग अलग करके फाइंड कर लो, ऐड कर दो, काम आपका हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले ये सम को सॉल्व करने के लिए, ऑल राइट, सो फॉर द कोनिकल पार्ट यू हैव हाइट एज 4 cm एंड रेडियस एज 3 cm, बट दैट विल बी द सेम रेडियस, सेम किसके लिए होगा, हेमिस्फीयर के लिए, वो मैंने आपको दिखाया, देखो बराबर, अच्छा इसमें कन्फ्यूज मत हो, ये देखो ये दोनों एकदम ओवरलैप करता है, तो जितना रेडियस हेमिस्फीयर का उतना ही रेडियस कोन का होगा, बराबर, तो हमने डिनोशन भले अलग अलग दिया लेकिन दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, तो सम जब करेंगे तो हम सेम रख सकते हैं, समझ में आया। तो अब जाके मैं फाइंड करता हूँ यहाँ पर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ टॉय ये होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, बराबर बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, ये कोन का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 πr² h, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2/3 πr³, 2/3 πr³ हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये सेपरेट कर लेते हैं, तो 1/3 × पाई का वैल्यू अभी पुट नहीं करेंगे हम लोग, लास्ट में पुट कर देंगे, तो ये पाई को पाई रहने दो बच्चों, आर स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा बच्चों, ये 9 × 9 × h, h कितना इसका 4 है,
प्लस ये 2/3 इंटू पाई को ऐसे छोड़ देते हैं, और ये आर क्यूब यानी कि 27 हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना 27 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो ये 3 1s और ये 3 2s 3 3s सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका 12 पाई, 3 4s 12 12 पाई, प्लस ये 3 1s 3 9s 9 3s 27, और ये हो जाएगा आपका 9 2s 18, ये हो जाएगा 18 पाई। अब ये 12 पाई प्लस 18 पाई, ये मिलके आपका हो जाएगा 30 पाई। और बच्चों यहाँ पर पाई का वैल्यू दिया है, पाई का वैल्यू 3.14 ये सम के अंदर दिया है उन्होंने, तो ये हो जाएगा आंसर 30 × 3.14, समझ में आया। और 30 × 3.14 का आंसर है आपका 90.20 cm³। जब भी आप वॉल्यूम फाइंड करोगे तो आपको यूनिट को उसके क्यूब के फॉर्मेट में रखना होता है। ठीक है, ये वाला बात हो गया। अब क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है इसका सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया के लिए इसका सरफेस एरिया क्या होगा, किसका, हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होता है 2πr² क्या होगा बच्चों, 2πr² बराबर है। सरफेस एरिया क्या होगा, 2πr², तो इसके लिए रेडियस चाहिए, रेडियस है अपने पास। इसका सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, πrl, हमें l चाहिए होगा ना, पाई तो है, r है, h है, l नहीं है, तो l फाइंड करना पड़ेगा। तो बच्चों सेकेंड मेथड में आप क्या करोगे, l फाइंड करोगे, तो l स्क्वायर क्या होता है, r² + h² r कितना है 3 3² प्लस ये 4² कितना हो गया 9 + 16 कितना हो गया 25, देखो l कितना हो जाएगा 5 cm, जैसे हमने पिछले सम में फाइंड किया था सेम वैसे का वैसे ही मिल गया स्लैंट हाइट 5 cm। अब क्या करना है बच्चों, अब हमें इसका पूरा सरफेस एरिया फाइंड करना है, बराबर है। तो हमको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं लगा, किसका लगेगा, कर्व का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन विल गिव मी द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट में सरफेस एरिया ऑफ टॉय विल बी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज πrl, तो ये 2 × π को ऐसे ही छोड़ देता हूँ मैं, आर स्क्वायर आपका 9 आ जाएगा, प्लस पाई का वैल्यू ऐसे ही छोड़ देता हूँ, आर का वैल्यू आपका यहाँ पर 3 है और एल का वैल्यू आपका 5 है, तो ये आ गया आपका 18π + 15π, कितना आ गया बच्चों 18π + 15π, ये हो जाएगा आपका कुल मिला के 33π बराबर। और 33π को अगर आपने पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो 33 × 3.14 एंड दैट विल गिव यू 103.62 cm², 103.62 cm², दिस विल बी द एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय एंड दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक स्फीयर दिया है, बराबर। इस स्फीयर के अंदर हमें इसका डायामीटर दिया है और हमें इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है। बच्चों ये बड़ा ही आसान समय, बड़ा ईजी समय, स्फीयर है तो स्फीयर का अगर आपको कुछ भी फाइंड करना है तो आपको उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होता है, उसका रेडियस, और रेडियस तो आप फाइंड कर लोगे क्योंकि आपको आपका डायमीटर दिया है। ओके, सो यर डायामीटर दिया है तो यहाँ पर रेडियस जो है वो रेडियस हो जाएगा डायामीटर अपॉन 2, डैट इज़ 42/2 एंड डैट इज़ 21 cm। तो ये पहला चीज़ हमने फाइंड कर लिया। दूसरा चीज़ हमें फाइंड करना है इसका सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एक ही फॉर्मूला बच्चा, एक ही सरफेस एरिया होता है इसका, इसमें कर्व और टोटल नहीं होता है, इसमें टोटल ही होता है सिर्फ, उसका फॉर्मूला 4πr², दैट इज 4 × इसका 3.14 ले लो लेना है तो, और r का वैल्यू दिया तो कुछ है नहीं, r का वैल्यू 21 × 21 वहाँ से हमने फाइंड कर लिया, मतलब पाई का वैल्यू कुछ दिया नहीं था इसमें, ये कह रहा था मैं। अब जब ये सब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एक आंसर मिलेगा, बराबर। अब मल्टीप्लाई करके आंसर जो आएगा वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। दूसरा जो फाइंड करना है हमें, वो फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसी स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम कैपेसिटी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr³, तो 4/3 × π 3.14 × आर कितना हो जाएगा 21 × 21 × 21, ठीक है बच्चों, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो।
वॉल्यूम है तो यूनिट क्यूब हो जाएगा। अच्छा इसमें अगर आपने पाई का वैल्यू 22/7 लेते ना तो भी चलता काम, बराबर 22/7 अगर लोगे तो ये 7 और ये जो 21 है वो कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो पाई का वैल्यू अगर आपने 22/7 लिया तो भी चलेगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम आई क्लियर विद डैट? ऑल राइट, ऑल राइट बच्चों, ये एक केस है कि एक ग्लास है, सिलेंड्रिकल ग्लास जिसका डायामीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, और एक ये स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर है। इस मेटालिक स्फीयर का जो डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, इसको हमने इसमें इंसर्ट किया है। किसमें? ग्लास में, जिस ग्लास में कुछ पानी था। जैसे ही मैंने इंसर्ट किया किसको? मेटालिक स्फीयर को। उसके बाद ये पानी क्या होगा? राइज होगा, ये पानी थोड़ा राइज होगा। तो मुझे ये पता चला कि ये जो हाइट है, जब मेटालिक स्फीयर हमने इंसर्ट किया तब जो हाइट मिला पानी का वो 30 सेंटीमीटर मिला। वाटर का हाइट कितना मिला? 30 सेंटीमीटर मिला। तो हमें ये पता करना है कि भाई ये मेटल स्फीयर डालने से पहले, मेटल स्फीयर इंसर्ट करने से पहले, बराबर कितना पानी प्रेजेंट था इसके अंदर, कितना वाटर प्रेजेंट था, वॉल्यूम ऑफ द वाटर जो प्रेजेंट था इसमें, बराबर। या फिर मेटालिक स्फीयर डालने के बाद भी उतना ही वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, बराबर। वॉल्यूम विल नॉट चेंज हियर इन दिस केस। ओके, सो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, नहीं मेटालिक स्फीयर डालेंगे तो बच्चों हाइट चेंज होगा ना, हाइट चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। तो आप बड़ा क्लियरली समझ लो कि जब मेटालिक स्फीयर नहीं था तो इसी सिलेंडर में, बराबर यहाँ पर कुछ पानी होगा, जब मेटालिक स्फीयर नहीं था उसका हाइट क्या आपने को पता नहीं। मेटालिक स्फीयर जब डाल दिया मैंने तो उसका हाइट कितना हो गया, पानी का हाइट, कॉलम हाइट कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो अब कुछ बातें समझ लो कि आपका डायमीटर 2 सेंटीमीटर, डायमीटर से कुछ काम होता नहीं, आपका रेडियस कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसको कैपिटल आर ले लेते, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऑल राइट, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ग्लास, बराबर फॉर्मूला बना रहा हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ग्लास विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ स्फीयर इन इट, बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ स्फीयर, यानी ये वाला जो केस है जब स्फीयर अंदर है तब उसका वॉल्यूम क्या है, माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यानी पानी का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ वाटर जब स्फीयर अंदर है माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर कर दूं तो मुझे वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल जाएगा। सीधी सी बात है, पानी का वॉल्यूम क्या होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अभी ये प्रेजेंट दिस वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये जो वॉल्यूम है ये प्रेजेंट वॉल्यूम, दिस वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो मेरा काम होगा कि नहीं होगा, मिल जाएगा। तो यही फॉर्मूला मैंने बना दिया यहाँ पर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ स्फीयर इन इट विल बी वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ स्फीयर इन इट, तो कितना वॉल्यूम इसका, ये सिलेंड्रिकल है तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा बच्चों, बराबर। यहाँ पर हाइट ऑफ द वाटर इज 30 माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मैंने स्मॉल आर मेंशन कर दिया, पर ये सिलेंड्रिकल है तो इसको कैपिटल आर लिखो, ये दोनों सेम लगेगा। तो ये पाई का वैल्यू हम क्या करते हैं, पाई के वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट अभी फ़िलहाल नहीं करते, वैसे छोड़ देते हैं, इसको बाद में हम लोग सॉल्व कर लेंगे एक ही साथ करके। तो ये पाई को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर आया आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर कितना, ये 49 हो गया इनटू एच, बराबर ये जो हमारा कैपिटल एच है कितना बच्चों, ये 30 है माइनस 4/3 पाई तो बाहर जा चुका है इनटू आर क्यूब, आर 1 है तो ये 1 आ जाएगा, तो ये पाई बच गया यहाँ पर। यहाँ पर क्या बचा बच्चों, ये 49 × 3 बराबर अपॉन 49 × 30 जो है ये हो जाएगा 1470 माइनस ये 4/3। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा पाई 4410, ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया माइनस 4
अपॉन थ्री, तो ये जब हो जाएगा 4410 पाई माइनस 4 पाई अपॉन 3, दैट इज 4406 अपॉन 3 पाई। और पाई का जब वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ऐसा भी रख सकते हो, ये है वॉल्यूम 4406 अपॉन 3 इंटू 3.14। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? या फिर देर इज नो रिक्वायरमेंट नहीं है कुछ, ऐसा भी छोड़ देंगे तो हमारा आंसर ये भी आंसर चलेगा 4406 अपॉन 3 पाई। क्या है वॉल्यूम है तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ग्लास, बराबर इस ग्लास में जो वाटर का वॉल्यूम था वो इतना था। ठीक है, ऑल राइट।